हेलो गाइस, मैं वरुण और आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे मॉड्यूल के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही काम का होने वाला है। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम अपने फ़ोन नंबर जो होते हैं और देखते हैं किसी का कॉल आता है तो फिर पता नहीं लगा पता कौन से वो कंपनी का है, तो फिर उसकी डिटेल्स क्या हैं, तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग करेंगे क्या और ये पाइथन की मदद मतलब से हम लोग बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो फिर वीडियो में बने रहे और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग अपना गूगल खोलेंगे और pypy.org खोलेंगे। तो मैं कह देता हूँ कमेंट बॉस ओपन pypy.org। बहुत कमेंट बॉस गलत सही है। तो फिर ओपन गूगल। ओके बॉस कमेंट बॉस ओपन माई यूट्यूब चैनल। तो फिर यहाँ पे जो है एक ओके मॉड्यूल है। बॉस कमेंट बॉस बाय बाय फोन नंबर्स। ओके बाय एंड हैव अ नाइस डे बॉस। तो मेरे एक हाथ में तो मेरा फोन है जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो फिर थोड़ा सा टाइपिंग प्रॉब्लम है। तो पहले ही आपको मिल जाएगा फोन नंबर्स 8.12.3। तो फिर यहाँ पे जो है आप देख लीजिए, इसका इंस्टॉलेशन बहुत इजी है। तो फिर क्या करेंगे कि इसको कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर लेते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में। मैंने पेस्ट कर दिया और देखिए मेरा तो ऑलरेडी इंस्टॉल है, आपका इंस्टॉल हो जाएगा। और 8.12.3 मेरा इंस्टॉल है, लेटेस्ट वर्जन, आपका भी इंस्टॉल हो जाएगा। तो फिर क्या है कि अब हम लोग थोड़ा सा रेफरेंस लेने वाले हैं। तो फिर देखिए यहाँ पे कंट्री कोड भी देना रहता है। तो फिर मैं अपना नंबर तो नहीं बोलने वाला पर नंबर में हेर फेर कर सकता हूँ जिससे कि आपको पता नहीं चलेगा मेरा नंबर क्या है। तो फिर आप ट्राई भी मत कीजिएगा कॉल करने का क्योंकि शायद किसी और को लग जाए। फिर तो फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा रेफरेंस ले लेता हूँ यहाँ का। तो फिर हम लोग जो है ढूंढेंगे कि कैसे हम लोग कंट्री पता लगाएंगे। वैसे इजी है, +91 का मतलब ही वही है इंडिया। तो फिर यहाँ पे +1 का मतलब USA है मेरे ख्याल से। तो फिर एक्चुअली मैंने कभी इंटरनेशनल कॉलिंग नहीं किया। तो फिर चलिए कैरियर डॉट नेम फॉर नंबर है एक इसका एट्रीब्यूट, डिस्क्रिप्शन फॉर नंबर मतलब कि हाँ डिस्क्रिप्शन फॉर नंबर, ओके समझ गया। तो फिर पहले इसको पर्स करना पड़ेगा। तो फिर मैं अपना कोई आईडी आदि खोल लेता हूँ। तो फिर मैं फिर से फ्राइडे का मदद लेके मैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोल लेता हूँ। कमेंट बॉस ओपन विजुअल स्टूडियो कोड। कमेंट बॉस ओपन स्टूडियो कोड, कमेंट बॉस ये शायद मैं डाल नहीं। ओपन कमांड प्रॉम्प्ट। जस्ट फॉर यू बॉस कमेंट बॉस बाय बाय। पता नहीं क्यों मैंने इसको सिस्टम सॉरी 32 में बॉस खोला है। कैन नॉट लिसन से दैट अगेन प्लीज कमेंट बॉस बाय बाय। ओके बाय एंड हैव अ नाइस डे बॉस। तो फिर यहाँ पे नई फाइल बनाऊँ, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इम्पोर्ट कर देंगे फ़ोन नंबर। तो फिर मैं चलो उनको यहाँ से नहीं रख दूँ। तो फिर मैं कुछ ढूंढ तो रहा हूँ पर मुझे कुछ मिल नहीं रहा रखने के लिए। उम्मीद है आपको आवाज़ आ रही होगी मेरी। तो फिर कोडिंग शुरू करते हैं। इम्पोर्ट इम्पोर्ट फ़ोन नंबर्स। तो फिर मैं फ़ोन नंबर को जो है इंपोर्ट कर रहा हूँ और उसके बाद क्या करेंगे कि हमारा जो चैनल है वो चैनल CH। तो फिर यहाँ पे CH को मैंने ला दिया है और अभी मैं जगह ढूंढ रहा हूँ फ़ोन रखने की। तो फिर ज़रा से चेक कर लेते हैं। हाँ चलिए। तो फिर अब हम लोग क्या करेंगे कि जो ये CH किसके कॉल है, फ़ोन नंबर्स डॉट पर्स। हाँ बस। तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा लोड होने देते हैं। तो फिर यहाँ पे शायद मुझे फ़ोन नंबर देना है। तो फिर +91 9839394856। तो फिर यहाँ पे मैं कोई गलत नंबर ले लिया हूँ तो फिर इस पे कॉल करने की कोशिश मत कीजिएगा। तो फिर
और इसके साथ जो है किसी का तो फ़ोन नंबर होगा, पर प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा। एक्चुअली मैं हाइड नहीं कर रहा हूँ, तो इसका मतलब यह है कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आखिर एक वर्क कैसे करता है। तो फिर जो सी एच है वो तो हो गया, तो फिर अब क्या करेंगे कि प्रिंट कर देता हूँ मैं एक बार सी एच, और फिर देखते हैं कि इसका आउटपुट आखिर होता क्या है। कंट्री कोड आ गया, कंट्री कोड 91, नेशनल नंबर 98391। ओके तो भी ठीक है। मैंने सी एच का तो प्रिंट कर दिया, उसके बाद क्या करेंगे कि कंट्री कोड, कंट्री नेम नाम का वेरिएबल बनाते हैं, कंट्री नेम इज इक्वल्स टू, कंट्री नेम किसके इक्वल होगा, सी एच डॉट डिस्क्रिप्शन फॉर नंबर, डिस्क्रिप्शन फॉर, तो भी शायद मुझे नहीं देना। तो कंट्री नेम है फोन नंबर्स डॉट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे नहीं है तो मुझे थोड़ा सा रेफरेंस लेना होगा यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे दे रहा है जियो कोडर, ओ फ्रॉम फोन नंबर्स बोल जियो कोडर, ओके। तो फिर यहाँ पे जो है जियो कोडर से काम चला, फोन नंबर्स डॉट जियो कोडर डॉट डिस्क, तो मुझे शायद से इम्पोर्ट करना पड़ जाए। तो फिर मैं क्या करता हूँ कि मैं इम्पोर्ट कर देता हूँ फ्रॉम फोन नंबर्स, इम्पोर्ट जियो कोडर, तो ये हो गया जियो कोडर। तो फिर अब जो है कंट्री, कंट्री नेम इज इक्वल्स टू जियो कोडर डॉट डिस्क्रिप्शन फॉर नंबर, डिस्क्रिप्शन फॉर नंबर में मैं नंबर दे दूंगा, नंबर ऑब्जेक्ट क्या है सी एच, और मेरा लैंग्वेज इंग्लिश ई एन। कंट्री नेम को तो मैंने प्रिंट ही नहीं किया, सॉरी, प्रिंट कंट्री नेम। तो भी देखते हैं आप क्या नाला है। तो फिर इंडिया, देखा कंट्री नेम प्लस 91 से होता है, अगर मैं यहाँ पे प्लस 1 भी कर दे तो शायद हो जाए। अब शायद से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दिखाएं, तो फिर ये शायद नहीं है। तो फिर कोड में कोड 1 नेशनल नंबर 98 प्लस, मुझे पता नहीं कहाँ का कोड है, तो फिर 41 ट्राई कर लेते हैं। देखा एक्चुअली इसको कोई भी नंबर दे दो ये पता नहीं लगा पाएगा कि इसको सही कोड देना है, तो फिर ये तो इंडिया का ही, तो 91 दे देते हैं। तो ये देख लीजिए अभी इंडिया आ जाएगा, सो हियर इज इंडिया एंड नाउ। अब हम लोग पता लगाएंगे कौन सा कंपनी है, तो फिर मेरे ख्याल से वोडाफोन होगी या फिर कुछ और हो सकता है। तो फिर यहाँ पे मतलब कि नेटवर्क कौन सा है ये पता लगाने के लिए मैं बताता हूँ क्या करना है। तो फिर यहाँ पे जो है इसको हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं, और यहाँ पे इसको भी कमेंट आउट, ये अब तो वेरिएबल रहा है। तो फिर अब यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा, अब वन लाइन ऑफ कोड हम लोग लिखते हैं जियो कोडर, जियो कोडर डॉट नेम फॉर नंबर, शायद से यह एट्रीब्यूट था, नेम फॉर कंट्री नेम नहीं, नेम फिर से चेक करना पड़ेगा हम लोग को। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है, और फिर कैरियर, अच्छा ठीक। अब यहाँ पे जो है दूसरा मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी, हम लोग जियो कोडर नहीं है, वो फ्रॉम फोन नंबर्स इम्पोर्ट कैरियर, अब कैरियर जियो कोडर नहीं, कैरियर, कैरियर डॉट नेम फॉर नंबर। अब इसके अंदर हम लोग वही देंगे ऑब्जेक्ट जो है हम लोग का सी एच, इधर मैंने इसका नाम सी एच क्यों रखा, लैंग्वेज ई एन, वोडाफोन, देखा। तो फिर ये वोडाफोन का है, तो फिर
मैं कोई और नंबर भी ट्राई कर लेता हूँ जो जियो का है, तो फिर रिलायंस जियो 6 3 7 3 6 4 8 7 3 4 तो फिर अभी ये देखते हैं रिलायंस जियो। तो फिर रिलायंस जियो का ये नंबर है, और ऐसे ही आप पता लगा सकते हैं। तो फिर इस पे कॉल करने की कोशिश मत कीजिएगा कि मेरा नंबर बिल्कुल भी नहीं है, वे ट्राई भी मत कीजिएगा, और अगर ट्राई करते हैं तो आपकी गलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप समझ गए होंगे कि आप ये फोन नंबर मॉड्यूल का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। किसी का नंबर पता करने के लिए बस आपको इनपुट देना होगा, जैसे कि अगर मैं बनाऊँ तो फिर यहाँ पे जो है पहले अगर इनपुट ले, इनपुट यहाँ मैं इनपुट कर देता हूँ, तो फिर मैं यहाँ पे इनपुट कर देता हूँ, तो फिर यहाँ पे वार्निंग आ रही है। तो फिर यहाँ पे अब जो है हम लोग इनपुट लेंगे, तो फिर वो स्ट्रिंग तो देता है, तो फिर इनपुट में क्या कर देंगे, एंटर योर नंबर हियर, एंटर योर नंबर हियर विद कंट्री कोड, बस। और मैं रन करूँ तो फिर पहले मुझसे मांगेगा, तो फिर मैं वही फिर से देना है +91 9 6 1 6 1 2 2 5 5। आइडिया कोई और, एक्चुअली मुझे कोई और नंबर नहीं आ रहा, तो फिर इनसे पे फ़ोन करने की कोशिश मत कीजिएगा बस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस पे जाएँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे अबाउट 41 वीडियोज़ हों, ये 42 वाली वीडियो है, तो फिर यहाँ पे वीडियोस में जाके आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। और यहाँ पे देख सकते हैं कितनी सारी वीडियोस हैं, और यहाँ पे देख लीजिए, उम्मीद आपको सारी वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक माई वीडियो।